सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो के नए मोबाइल लॉन्च के बारे में। फाइनली ओप्पो ने अपना नया लेटेस्ट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। उस स्मार्टफोन का नाम है ओप्पो F3। चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओप्पो ने इंडिया में अपना न्यू स्मार्टफोन ओप्पो F3 आज लॉन्च कर दिया है। ओप्पो F3 के प्राइस की बात करें तो उसका प्राइस 19,999 रुपीज़ यानी करीब 20,000 रुपीज़ है। और यह स्मार्टफोन गोल्ड, रोज गोल्ड और ब्लैक कलर में अवेलेबल होगा। और यह कंपनी द्वारा पिछले महीने इंडिया में लॉन्च किए गए ओप्पो F3 प्लस का स्टैंडर्ड वर्जन है। अब नाउ इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ओप्पो F3 में 5.5 इंच का फुल HD इनसेल IPS TFT डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1920p x 1080p दिया गया है और इस डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी 401 यानी 401 PPI है। और इस डिस्प्ले पर 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन भी दिया गया है। हैंडसेट में 1.5 GHz ऑक्टा कोर MediaTek MT6750T प्रोसेसर का यूज किया गया है और ग्राफिक्स के लिए माली T86MP2 GPU इंटीग्रेटेड किया गया है। और इस स्मार्टफोन में मल्टीटास्किंग को इजी करने के लिए 4GB रैम दी गई है और इसकी इंटरनल स्टोरेज 64GB दी गई है, जिससे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 128GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। और ओप्पो F3 एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो बेस्ड कलर OS 3.0 पर रन करता है। अब नाउ इस स्मार्टफोन के कैमरे सेटअप की बात करें तो ओप्पो F3 में सेल्फी के लिए कंपनी ने दो फ्रंट कैमरे दिए हैं। एक कैमरे का सेंसर 16 मेगापिक्सल का है और दूसरा 8 मेगापिक्सल का। और वहीं रियर पैनल पर 13 मेगापिक्सल का डुअल फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस और एपर्चर f2.2 से लेस कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही LED फ्लैश भी दिया गया है और इस हैंडसेट की बैटरी कैपेसिटी 3200 mAh दी गई है। और ना इस स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम, GPS, ब्लूटूथ 4.0, वाईफाई, OTG सपोर्ट जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। और इस स्मार्टफोन में सेंसर्स की बात करें तो इसमें डिस्टेंस सेंसर, लाइट सेंसर, जी सेंसर और ई कंपास सेंसर, ये सेंसर्स इसमें दिए गए हैं। और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें होम बटन पर इंटीग्रेटेड किया गया है। और राइट साइड में इसके पावर बटन दिया गया है और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम अप डाउन बटन्स दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और इस स्मार्टफोन का वेट 153 ग्राम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।